लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए मतगणना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और अभी जो रुझान लगातार रुझान जो आ रहे हैं उसमें सुखदेव भगत 40,000 से अधिक वोटों से लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं और जो दूसरे नंबर पर हैं भाजपा के समीर राव हैं और तीसरे नंबर पर जो चमरा लिंडा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला की बात कही जा रही थी कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा और चमरा लिंडा भी कहीं ना कहीं मैदान में रहेंगे जो वोट काटने का काम करेंगे, लेकिन जिस तरह से भाजपा ये दावा कर रही थी कि चमरा लिंडा अधिक से अधिक वोट काटेंगे और उनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे, लेकिन यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि चमरा लिंडा जो उनका जो पुराना रिकॉर्ड है उससे काफ़ी पीछे चल रहे हैं और उनका वोट का परसेंटेज लगातार गिरता जा रहा है और जिस तरह से वोट उनका कम हो रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुखदेव भगत उनका जो वोट परसेंट बढ़ रहा है, ऐसे में स्पष्ट लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा के लिए आने वाले अभी जिस तरह से रुझान आ रहे हैं परेशानी का सबब पैदा हो सकता है। हालांकि अभी बहुत अधिक काउंटिंग होना बाकी है, लगभग 9 लाख के आसपास यहाँ पर पोलिंग हुआ है और उस पोलिंग के अनुसार अभी तक जो काउंटिंग है वो काफ़ी पीछे चल रहा है क्योंकि गुमला में थोड़ा सा काउंटिंग की गति वो भी स्लो देखने को मिल रही है, लेकिन अब तक के रुझानों के अनुसार जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और इसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी सुखदेव भगत भी आए थे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है और लगातार वो जिस तरह दावा कर रहे थे कि लोग उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का ये लड़ाई है वो उनकी लड़ाई नहीं है, लोगों द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है, भाजपा के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका जो दावा था वो कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर पर दिख रहा है, जो रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। हालांकि आने वाले समय में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से भाजपा को पीछे छोड़ते हुए लगातार सुखदेव भगत है बढ़त बनाए हुए हैं, निश्चित रूप से उनके खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।